नमस्ते एवरीवन, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी हॉलीडे एक एग्जॉटिक लोकेशन में बनाएं। मोस्टली जब भी स्पेशल डे पे बाहर जाने का सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड, विच इज़ गुड। वी ऑल शुड प्लान वन ट्रिप अब्रॉड, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम जा नहीं पा रहे। और इतने सारे लोकेशन खुद हमारी कंट्री में हैं जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते। चलिए आज पहले आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी ही एग्जॉटिक लोकेशन पे जो कि मेरे शहर नासिक में ही है। ये नासिक के सिटी से करीबन 45 किलोमीटर दूर, इट्स ऑन द वे टू त्र्यंबकेश्वर। ऑल्दो जो रास्ता है वो थोड़ा वेल मेंटेन्ड नहीं है, बट यू कैन ईजिली ड्राइव एंड रीच देयर। लुक एट द लोकेशन, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दिल थाम कर बैठिए, मैं इस लोकेशन के बारे में भी बताऊंगी और हर एक डिटेल बताऊंगी, तो देखते रहिए मेरे इस व्लॉग को। मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पैशन स्ट्रोक्स। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन डे ट्रिप, और आज हम जाने वाले हैं वैतरणा लेक। ऐसे तो नासिक में आपको कई सारे लेक्स और कई सारे डैम्स मिलेंगे जो आसपास हैं। आज हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है स्पंदन रिसोर्ट, और वो वैतरणा लेक के पास में है। जब आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो ना, तो त्र्यंबकेश्वर के रास्ते में ही वो जो लेक है, वहाँ काफ़ी बढ़िया सा रिसोर्ट है, तो हम वहाँ रुकने वाले हैं। आप देखते रहिए पूरी ब्लॉग और देखिए हम कैसे कैसे ट्रैवल करें। फिलहाल आप ब्रांड को देख सकते हैं जो कि अपना सर विंडो से निकाल कर काफ़ी इंजॉय कर रहा है। आर यू एंजॉयिंग मे बी? यस। ओके, तो सामने का व्यू, चारों तरफ ही वाटर बॉडी है। अगर आप देखो तो मेरे राइट में भी पानी है और मेरे लेफ्ट में भी पानी है। तो ये जो हमारा रास्ता है जो भी मैं जाने वाली हूँ, वो दोनों तरफ ही पानी है अगर आप देखो तो। और ये बीच का एक पैच वे है, तो मैं कैमरा यहाँ फ्रंट कर दूँ। वैसे तो अगर आप चाहो तो आप सिर्फ ये जो वैतरणा लेक है वहाँ सिर्फ ड्राइव करके भी वापस आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, आप सिर्फ ड्राइव करके भी वापस आ जाओ तो बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। पर आज हम जाने वाले हैं स्पंदन रिसोर्ट। और तो यहाँ जो पहुँचने का जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, जो गाड़ियाँ हैं बारिश के टाइम पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप यहाँ जब पहुँच जाओगे ना तो सच में आप बिल्कुल चीटेड फील नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टी इतनी वेल मेंटेन्ड है, आप रियली एंजॉय करने वाले हो। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 2000 अबव द सी लेवल है, और वैतरणा लेक का जो बैक वाटर है उसकी विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से, आपको वो जो लेक का व्यू है वो दिखता है। दे हैव गॉट ए इन्फिनिटी पूल। आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इतनी बड़ी। तो स्पंदन रिसोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दो तरह के रूम्स अवेलेबल हैं। एक तो इनका स्पेशल द डेक बोलते हैं, इनका एक विला है जो कि आप 18,000 में बुक कर सकते हैं। उसमें करीबन 15 लोग एक साथ रुक सकते हैं, एंड मैक्स एक बच्चा रह सकता है, एंड किड्स अप टू 5 इयर्स दे हैव गॉट अ फ्री बुकिंग, तो वो जाकर रह सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगर फैमिली ऑफ 15 पीपल, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो, देन यू कैन बुक दैट विला। इफ नॉट देन यू कैन बुक लग्जरी एसी टेंट्स। तो लग्जरी एसी टेंट्स जो है वो करीबन आपको 6,500 में आ जाता है, जिसमें कि आप 4 एडल्ट्स रुक सकते हैं, वो इतना बड़ा है, और मैक्सिमम 2 बच्चे रुक सकते हैं। तो आई वॉज गोइंग फॉर, वी वे जस्ट 2 पीपल एंड 1 किड, तो मुझे ये 6,500 में ही ये प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल है। मैं ये टेंट जो आप देख रहे हो, मैंने इस टेंट को ही बुक किया है, और यहाँ पहुँचते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसके पास इन्फिनिटी पूल है, आप है यहाँ पे आप आराम से, बैडमिंटन कोर्ट है इनका, बास्केटबॉल कोर्ट है, आप यहाँ पर जाके बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हो, यू कैन डू कैंपिंग, यू कैन हैव अ बोन फायर, बहुत कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिशिंग ट्राई कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, नेचर शूटिंग कर सकते हैं। अभी हमारे जो चेक इन है उसमें थोड़ा टाइम है, तो चलिए मैं आपको फटाफट ये प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो आपको एक झलक दिखला दूँ। आप देखो वो सारे पीछे जो दिख रहे हैं ना, वो सारे टेंट हैं, इनके 5 टेंट हैं, और पीछे वो जो दूर में वहाँ दिख रहा है वो है इनका विला। और विला के बाद ये जो आपको सामने प्रॉपर्टी देख रही है, इनका बेसिकली किचन एंड डाइनिंग एरिया है, जहाँ आप जाकर अपने
मील्स ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन ईट. तो जो आफ्टरनून का मील है वो आपके जो पैकेज है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यू विल हैव टू गो एंड ऑर्डर एंड ईट इट. तो मैंने मंगवाया था वेजिटेरियन खाना और जो कि बहुत ही डिलीशियस था और बहुत ही यमी था. रात में अगर आप चाहें तो आप अपने मनपसंद चीज़ें ऑर्डर करवा सकते हैं खाने को. वैसे तो इनका सेट मेन्यू है और ये फ्रेश फ़िश जो कि लेक से आता है वो आपको ग्रिल करके खिलाते हैं. आप अगर यहाँ जाएं तो इनके फ़िशेस ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होते हैं. तो चलिए खाने की तो बात हो गई, अब मैं पहले आपको अपना टेंट अंदर से दिखा दूं कि ये कितना सुंदर और कितना वेल मेंटेन्ड है. आप अंदर से अगर देखो तो ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इनकी जो स्टे ये रूम की कैपेसिटी है इट्स फॉर 4 पीपल. तो आप अगर यहाँ जाए, यू हैव ए बिग फैमिली लाइक ऑफ 4 पीपल एंड अप टू 2 kids, आई मीन 6 पीपल कैन स्टे टुगेदर इन दिस रूम. इट इज़ सो ह्यूज एंड सो बिग. बात है जो इसकी फर्निशिंग है वो बहुत अच्छे से है. इसमें हर चीज़ है जो कि आपको एक 4-star रूम में अवेलेबल होता है. इट हैज़ गॉट एवरी थिंग. इट्स जस्ट दैट जो आपको जो सीलिंग दिखता है वो टेंट का जो लुक है वो है, और प्रॉपर टेंट ही है इनफैक्ट. बट ये इतने अच्छे से मेंटेन है कि आपको ये एक अच्छा लग्जूरियस रूम लग रहा है, बट इट इज़ अ टेंट. इंजॉय करते हो यहाँ पे रहना और बच्चों के साथ जाओ तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बच्चे आपसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं. ये देखिए रैन के साथ थोड़ी मस्ती भी आपको दिखा दूँ. रैन व्हाट इज दिस? क्या मम्मा एंड बेबी. मम्मा एंड बेबी, व्हाई डू यू थिंक इट इज मम्मा एंड बेबी, बताओ. क्या हुआ है कि मम्मा भी सो गई और बेबी भी सो गया? कौन है पापा इसमें, बताओ तो पापा इसमें कौन कौन है? ये तो मम्मा और पापा लग रहे हैं. ये तो मुझे भी मम्मा और पापा ही लग रहे हैं. नहीं ये मम्मा, ये बेबी और ये मम्मा. पर बेबी मम्मा को कैसे उठाया है? क्योंकि बेबी सोया हुआ है. एक और गिफ्ट दिखना है? एक और गिफ्ट दिखाओ, क्या है उसमें? वाओ ये किसका है? एक 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 मामा दादी. ये मेरे लिए एक छोटा सा मामा टेडी. अच्छा ये तुम्हारे लिए है? ओके मामा टेडी. ओके ओ गुड्डा. ये सब कुछ तुम्हारे लिए है? ये भी और ये भी तुम्हारे लिए है? आफ्टर आवर आफ्टरनून नैप वी जस्ट इन वांट टू मिस ऑन द सनसेट. जो यहाँ से सनसेट का व्यू है ना वो वन ऑफ द बेस्ट सनसेट है यू विल एवर सी. रीजन बीइंग जो इसका व्यू है, जो पानी है ना पीछे वैतरणा के लेक का, वो बहुत ही स्टिल है और बहुत ही काम है. उसकी वजह से जो सन का और जो स्काई का रिफ्लेक्शन उस पर आता है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है. आप इनके पुल साइड पे आप इनके स्टाफ को बोल सकते हैं यू कैन ऑर्डर योर टी एंड योर स्नैक्स जस्ट नियर द पूल एंड विटनेस दिस मेस्मराइजिंग सनसेट. बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सनसेट देखना. आप देख पा रहे होंगे कि जब सन बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल माउंटेन से नीचे जाता है आपको बहुत अच्छा लगेगा. इनफैक्ट इसकी जो पूरी प्ले एरिया आप अगर आप देख रहे हो काफ़ी जगह है, आप बच्चों के साथ आराम से सनसेट देखने के बाद खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो. रायन रियली इन्जॉयड दिस प्लेस, तो बहुत मज़ा आया था और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है. आस पास अगर आप नेचर से अगर प्यार रखते हो तो सुबह उठने के बाद इनका सनराइज बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा लगता है. जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपको बर्ड्स चर्प करते हुए आपको सुनाई देती है, हवा की जो म्यूज़िक है, इनफैक्ट आपको कोई भी गाड़ियाँ या रोड जो आपके आसपास में जनरली सिटीज़ में जो आवाज़ रहती हैं वो उन सबसे दूर यहाँ बहुत ही सुकून महसूस होगा आपको. सुबह उठने के बाद आई जस्ट डिड माई योगा एंड मेडिटेशन इन फ्री एयर एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग. और यहाँ मैं बता दूँ, जैसा मैं बोल रही थी, यहाँ काफ़ी सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के प्लांटेशन हैं. सो जब मैं वहाँ गई तो यहाँ पे मलबेरीज लगे थे, सो आई कुड प्लक इन सब मलबेरीज एंड जस्ट इन्जॉय देम. आप देखो ये कितने फ्रेश और कितने मीठे और कितने फ्रेश थे, बहुत ही रिफ्रेशिंग. तो ये आप बिल्कुल नेचर के बीच में रहकर आप इन फ्रूट्स को यू नो ऑर्गेनिक फ्रूट्स को इन्जॉय कर सकते हो. और बहुत सारे आपको ऐसे यू नो अगर आप नेचर लवर हो तो आपको नेचर शूटिंग के बहुत मौके मिलेंगे. आप
थक जाएंगे बट पिक्चर्स ख़त्म नहीं होंगे। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फ्लोर चेस है वो अमेजिंग है। कल रात करीबन 2-3 घंटे यहाँ खेलने के बाद भी अगर आप देख रहे हो तो रायन का हैंगओवर चेस से अभी तक गया नहीं है एंड ही स्टिल वॉन्ट्स टू प्ले। तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो यहाँ पे ये चेस खेलने के बाद। तो वी रियली इन्जॉयड इट। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है आपके पैकेज में, सो यू विल हैव टू पे फॉर इट, बट देन यू कैन ऑर्डर इट एंड हैव योर सम्पशियस ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट के बाद आप अपना डे प्लान कर सकते हो। आसपास कई सारी चीज़ें हैं करने को, घूमने को, जैसे कि मैंने बताया आप फिशिंग के लिए जा सकते हो, आप सिर्फ ड्राइव पे निकल सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ कि वो जो आप सुनो आपकी पानी की जो आवाज़ है ना, आप खुद सुनो आप, इट्स अनबिलीवेबल, रियली अनबिलीवेबल द व्यू विच आई एम जस्ट गोइंग टू अनवील, जस्ट सी दिस। क्योंकि कल हम बहुत ही जल्दी में थे, वी हैव टू चेक इन, सो वी डिडंट गो नियर द डैम। तो आज हमने सोचा क्यों ना डैम के पास चलें और आपको बिल्कुल क्लोज जो व्यू है ना वो दिखाऊं आपको, क्योंकि आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में क्या बता रही थी। तो बिलीवेबल, कभी आपने ऐसी जगह देखी है जहाँ रोड के दोनों साइड ही वाटर बॉडीज हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप देखो ये हम रोड के एक साइड पर हैं और अभी आपको मैं इसी रोड के दूसरे साइड दिखाऊंगी कि सेम वाटर बॉडी उस साइड भी है और आप इन दोनों वाटर बॉडी के बीच में आप ड्राइव कर सकते हो। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो जगह है ये शहर के बीच में ही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि नासिक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ 45 किलोमीटर्स अगर आप ड्राइव करते हो तो आप नेचर के इतने करीब आ जाते हो और इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलती है। शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं कि ये गाड़ी दिख रही है जाती है, तो ये कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं और मैं अब क्रॉस कर रही हूँ रोड के दूसरी साइड। और आप देखो कि मैं बीच में खड़ी हूँ और इस साइड भी वाटर है और इस साइड भी वाटर है, तो दोनों ही साइड आपको वाटर बॉडीज दिखेंगे। देखिए लेफ्ट, और इसके बीच से आप ड्राइव करके जा सकते हैं। एक दिन तो आपको अपने साथ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बिताना ही चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और ट्रैवल ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल गेट बैक इन माई अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बिकॉज बीइंग स्टेइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। थैंक यू।